जयपुर के अलग अलग एरिया में 3,000 रुपये स्क्वायर यार्ड से लेकर 1,50,000 रुपये स्क्वायर यार्ड तक जमीन मिल जाती है। वहीं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और मेट्रो के आने के बाद जयपुर में जमीनों के रेट्स काफी बढ़ गए हैं। आइए देखते हैं किस इलाके में क्या रेट्स है और आने वाले समय में कहां सबसे ज्यादा कीमतों में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। गुलाबी नगरी जयपुर का किसी जमाने में अपना अलग अंदाज था। जैसे जैसे यहाँ रोजगार ने अपने पैर पसारने शुरू किए, वैसे ही यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में भी सुधार आता गया। एक वक्त था जब जयपुर के लोग कोठियां और बंगलों में ही रहना पसंद करते थे, पर अब वक्त के साथ साथ लोगों का रुझान गेटेड सोसाइटीज की तरफ होने लगा है। यही वजह है कि कई बिल्डर्स और डेवलपर्स जयपुर शहर में अपने कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। मेरे ख्याल जिस तरीके से जयपुर में इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की वजह से, चाहे वो नॉलेज सेंटर की वजह से, बिकॉज इट इज़ आल्सो बिकमिंग अ बिग नॉलेज हब, प्लस आईटी की तरह आईटी की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, तो उसको नज़र में देखते हुए मेरे ख्याल से जयपुर इज़ आल्सो बिकमिंग अ बिग हब। अगर हम जयपुर की प्राइम लोकेशन के प्रॉपर्टी रेट्स की बात करें तो मानसरोवर में 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट हैं। जगतपुरा में हमें 2,800 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 3,700 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट मिल जाएंगे। सांगानेर में 2,700 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 3,300 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट मिल जाएंगे, जबकि टोंक रोड में 3,000 रुपए से लेकर 3,500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट हैं। अजमेर रोड में 2,400 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट हैं। महिंद्रा सेज में 2,700 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 3,200 रुपए और सीकर रोड में 2,500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं, जबकि वैशाली नगर में 3,300 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 4,500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स मिल जाएंगे। और जो सबसे ज्यादा जो बिकती है वहाँ पे वो 2,000 से 4,000, जिसको जो अफोर्डेबल सेक्शन अफोर्डेबल सेक्टर बोला जाता है, तो उस रेंज में बहुत ज़्यादा डिमांड आपको मिलती है। और जो ट्रेंड भी देखा जाता है तो ज़्यादातर डिमांड जो है 2 BHK और 3 BHK के लिए ज़्यादा डिमांड होता है। जयपुर में प्रॉपर्टी खरीदने के साथ साथ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी फायदे का सौदा साबित हो सकता है, जिसकी बड़ी वजह है DMIC कॉरिडोर। इस कॉरिडोर से न सिर्फ जयपुर को बल्कि जयपुर के आसपास के इलाकों को भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा सीकर रोड, अजमेर रोड, टोंक रोड और आगरा रोड में निवेश करने पर भी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये इलाके बेहतर डेवलप हो चुके हैं। दूसरी वजह, जयपुर में मेट्रो के दूसरे फेज का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे जयपुर की और जयपुर के बाकी बाहरी इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। पिछले 3 से 4 सालों में जयपुर में कॉरपोरेट कॉम्प्लेक्सेस कम बने हैं, जो बने हैं वो कंज्यूम हो चुके हैं। ऐसे में अब नए बन रहे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस और कॉरपोरेट टावर्स में निवेश करना फायदे का सौदा है, क्योंकि आने वाले वक्त में जयपुर में कई बड़ी आईटी कंपनी अपने ऑफिसेज खोलेंगी। वहीं स्टार्टअप्स को भी जयपुर में बड़ा बूम मिला है। ऐसे में यहाँ निवेश करने पर प्रॉपर्टी वैल्यू तो बढ़ेगी ही, वहीं आपको प्रॉपर्टी का रेट भी अच्छा मिलेगा। सचिन कुमार के साथ रामेश नकवी, जी मीडिया, जयपुर।